नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। मैं मीना कुमारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट और काइरोप्रैक्टर, आज आपको अनीता जी से मिलवाऊंगी और अनीता जी से पूछेंगे इनकी प्रॉब्लम और ये आज कैसा फील कर रहे हैं। अनीता जी, कैमरे की साइड फेस करके आपको बताना है कि आप यहाँ किसकी रेफरेंस से आए हैं और क्या आपकी प्रॉब्लम थी। हमें तो एक हमारे नीचे रेंट पे रहते थे, उनको बताया था जी कि रोहतक में ऐसे है डॉक्टर है, तो आप उससे ठीक हो गए। मेरे ये दिक्कत कुछ तो पहले ही थी, लेकिन बेटा हुआ था सीजेरियन, उसके बाद ज़्यादा हो गई थी। तो मैं एम्स में दिखाया, हिसार तो मोस्टली सभी हॉस्पिटल में दिखा लिया था मैंने। दिक्कत आज क्या थी आपकी? मेरी आँख में मतलब ये नस है ना, सिकुड़ती जा रही थी, ऐसा एम्स वाले ने बताया था मुझे। पहले तो मुझे पता ही नहीं था क्या दिक्कत है मुझे जी। मुझे हर रोज का जैसे कम दिखता जा रहा था, नज़र मेरी काफ़ी वीक हो चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ आँखों के हॉस्पिटल में दिखाया, उनके कुछ समझ नहीं आया, इशार तो कुछ भी समझ नहीं आया किसी भी डॉक्टर को। फिर एम्स में दिखाया, उन्होंने बताया कि आपकी जो नस है उसमें सिकुड़न हो चुकी है। फिर हाँ जी, फिर मैं जैसे मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो उनके थ्रू मैंने यहाँ से उन दिखाया इसमें कैंट में, उन्होंने RR हॉस्पिटल में रेफर कर दिया दिल्ली। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे यहाँ सूर्योदय में ये सारी टेस्ट वगैरह करवाई। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपकी ये नस है ना पैरालाइज हो चुकी है, ये ठीक नहीं होगी। फिर मेरे ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ आपके पास आई, आपने मुझे 7 दिन के ट्रीटमेंट के लिए बोला था, 7 दिन में ठीक हो जाओगी। 2 दिन आई मैं, तीसरे दिन बहुत काफ़ी बेटर फील कर रही थी मैं, जो आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा जो था, धुंधला बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे दिख रहा था रहा। वो ठीक हो गया था मेरा। मतलब मैं इतनी हो गई थी कि मैं अखबार पढ़ने के लायक हो चुकी थी, और अब मेरे 7 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब और कितने परसेंट आप रिलीफ महसूस कर रहे हो? मैं 70-80% फील कर रही हूँ। चलो, जो भी ये 10-20% की कमी रही है, हाँ इसके जी लिए मैं एक्सरसाइज बता चुकी हूँ आपको, वो फॉलो करना, और साथ साथ जो मैंने खाने पीने की एक अच्छी सी डाइट बताई है, लड्डू बनाने, हाँ वो जी भी आप खाना। उससे आपकी ओप्टिकनर जो श्रिंक हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, वो दोबारा से स्ट्रेंथफुल हो जाएंगी। हाँ जी हाँ तो जी अब वो इतने बड़े बड़े माने हुए हॉस्पिटल कुछ हाँ नहीं कर जी पाए, और मेरा छोटा सा क्लिनिक सेंटर है, और इस छोटे से सेंटर पे विजिट करी आपने, तो आपको ट्रस्ट हुआ फिर फर्स्ट डे की? भाई बहुत ज्यादा ट्रस्ट हुआ जी, और बड़े बड़े ने, मैं तो अब आपको ही भगवान समझ रही हूँ, क्योंकि आपने ठीक किया बस मुझे, मालिक सच्चा और है ये तो। आपका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा कर रही थैंक हूँ। यू वेरी मच। बस हाँ आपकी जी किस्मत भी अच्छी थी और आपकी हाँ पेशेंस जी थी, और बस भगवान के जो प्रिय होते हैं वही हमारे सेंटर पे आते हैं, हाँ और जी जिसका जब टाइम होता है ना दुखों से निवारण का, परमात्मा उसी को यहाँ भेजता है, नहीं हाँ तो जी यहाँ आए हुए भी वापिस चले जाते हैं। सच पूछो तो यहाँ तो नहीं वो आदमी आएगा जिसके भगवान ने दुख काटने हैं, भाई हाँ बंद आ लिया, अब इसको ठीक करना है, हाँ जी इसकी परीक्षाएं हो चुकी, वो बंदा नहीं, यहाँ मैं तो जमेगा। जी आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी टेंशन हो चुकी थी। आँख, अगर आँख नहीं है तो क्या फायदा कुछ फिर भी नहीं लाइफ है, का। उम्र भी तो देखो कुछ भी नहीं, 39 एज कितनी है है जी फिर मेरी, बताओ। मेरे बहुत ज्यादा। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद आज मैं अपने आप में बहुत बेटर फील कर रही हूँ, कोई दिक्कत और नहीं, आप आपका ठीक बिल्कुल रहेंगे। थैंक शुक्रिया अदा कर रही हूँ दिल यू से। मैं वेरी तो मच, और थैंक को भी यू। यही सलाह देती हूँ कि डॉक्टर की दवाई खाएं, इतने बजे हाँ, यहाँ आपके पास आए और उन्होंने अपना तो इतने ट्रीटमेंट माने हुए करवाएं। डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, और हाँ उन्होंने तो आपको जी डिप्रेस दूर कर दिया डिप्रेस ये, और कर बोल दिया था दिया कि जी। आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो पैरालाइज हो चुकी है। पैरालाइज मीन्स क्या होता है सभी जानते हैं, तो आगे का भी रास्ता बंद कर दिया कि भाई नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो सकती। तो ब्रेन को कम से कम, चलो ठीक होना ना होना ये तो परमात्मा के ऊपर है, लेकिन डॉक्टर का फर्ज ये नहीं होता कि ये उसको नेगेटिव फीडबैक दिया जाए, उसको पॉजिटिव करना होता है कि नहीं आप इस तरीके से मेहनत करिए, खान पान सुधारिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, ठीक हो जाएंगे। और भगवान की दया से हमने इनको 7 डेज का ट्रीटमेंट दिया, और मैंने ये बोल दिया था तीसरे दिन आपको आंखों से दिखाई देने लग जाएगा, और इनको तीसरे दिन आंखों से दिखाई भी देने लग गया। इन्होंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, इनका धुंधलापन था, वो कह रहे थे कि भाई न्यूज़पेपर की जो बड़ी हेडिंग होती है वो तो मैं देख पाती थी, लेकिन नीचे का कुछ नहीं पढ़ पाती थी। अब इन्होंने आराम से पढ़ा है उस चीज़ को, तो इनको अच्छा फील हुआ। तो हम ये कहते हैं इतनी बड़ी बीमारी भी जब ठीक हो सकती है नाड़ी योग में, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो हमारे सेंटर की विजिट करो और स्वास्थ्य लाभ लो। थैंक यू वेरी मच।